तो स्वागत है आपका एसएस नॉट स्टडी पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी व एनटीपीसी एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि रेलवे के अंदर जिस हिसाब से बम्पर भर्ती आई, जिसमें रेलवे एनटीपीसी व ग्रुप डी के जितने भी नई भर्ती है, रेलवे ग्रुप डी के अंदर 1 लाख से ज़्यादा पदों पर, एनटीपीसी के 35,000 पदों पर नई भर्ती आई थी। तो दोस्तों इन भर्तियों की अभी तक एग्ज़ाम डेट अभी तक कोई फिक्स क्यों नहीं आई, और उन भर्तियों का एग्ज़ाम आखिर तो कब होगा, और तो कितना टाइम लगेगा एग्ज़ाम के बारे में, और एग्ज़ाम की तो नई डेट तो क्या रखी गई है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो के अंदर आपको मैं डिटेल साथ जानकारी बताऊँ, जिस हिसाब रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी इन दोनों एग्ज़ाम डेट की हम पूरी डिटेल साथ जानकारी आपको साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको जितने भी सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल की नई भर्ती आती है और जितने भी उनके एग्ज़ाम डेट, उनके एडमिट कार्ड की जितने भी नई इन्फॉर्मेशन, पल पल की अपडेट आपको समय पर मैं उपलब्ध कराता हूँ इस चैनल के माध्यम से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों रेलवे एनटीपीसी की एग्ज़ाम डेट आज से कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल के अंदर ये बताया गया कि रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर के अंदर हो सकता है। तो दोस्तों रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम नवंबर और दिसंबर के अंदर वो रखा गया है। तो दोस्तों मान के चलिए कि अगर कोरोना महामारी की स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार होगा तो रेलवे का एनटीपीसी का एग्ज़ाम नवंबर या दिसंबर के अंदर होने की संभावना, अभी तक कोई फिक्स वो डेट नहीं आई, नवंबर या दिसंबर के अंदर रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो मान के चलिए एनटीपीसी का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद तो 1 या 1.5 महीने बाद ही रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि रेलवे तो ग्रुप डी के अंदर बहुत सारे तो आवेदन आए, जिस हिसाब से आवेदन की स्थिति को तो देखा जाए ना, तो इस हिसाब से तो बहुत सारे आवेदन एनटीपीसी के अंदर के आए और बहुत सारे तो आवेदन रेलवे तो ग्रुप डी के अंदर आए। तो इन आवेदनों के हिसाब से तो एग्ज़ाम वो कराने के अंदर ही तो बहुत सारा मैनेजमेंट तो करना होगा, जो भी अब रेलवे का एग्ज़ाम जो भी वो कंपनी करेगी उसका उसको तो बहुत सारे तो कॉलेज स्कूलों को तो हायर करना होगा, मतलब स्कूलों को तो अपने एग्ज़ाम वो कराने के लिए अपने हिसाब से वो सेटलमेंट करना होगा, मतलब जिस स्कूल पे रेलवे का एग्ज़ाम होगा इस स्कूल की जितने भी मतलब डिसिप्लिन मतलब जितने भी तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण इस स्कूल को मैनेजमेंट वो करना होगा। तो इस हिसाब से मान के चलिए कि तो 1 या 2 महीना एग्ज़ाम की वो तैयारी करने के अंदर समय लग जाएगा। इस हिसाब से मान के चलिए एनटीपीसी का एग्ज़ाम अगर आपका नवंबर या दिसंबर के अंदर हो जाता है तो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम फरवरी या मार्च के अंदर होने की संभावना है। अब अभी तक ये सिर्फ संभावना है, कोई भी फिक्स एग्ज़ाम डेट अभी तक नहीं आई, जो भी अगर कोई फिक्स एग्ज़ाम डेट आएगी तो पहले एनटीपीसी की आएगी, क्योंकि पहले एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा उसके बाद ही रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा। ओके दोस्तों, तो मान के चलिए अगर आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम नवंबर या दिसंबर के अंदर हो जाता है तो आपका फरवरी या मार्च के अंदर 100% रेलवे ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो अपनी वो तैयारी को थोड़ा बहुत तो मजबूत हो कर दी, क्योंकि अभी तक तो एसएससी ने अपना एग्ज़ाम का वो कैलेंडर तो जारी कर दिया है और राजस्थान के अंदर ही एग्ज़ाम होने शुरू हो गए हैं, और इस हिसाब से मान के चलिए कि अब एग्ज़ाम शुरू होने लगे। इस हिसाब से रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का एग्ज़ाम अभी होने की संभावना, यानी कि नवंबर और दिसंबर एनटीपीसी का एग्ज़ाम और फरवरी और मार्च के अंदर रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने की संभावना है। ओके दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी जानकारी, उम्मीद करता है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर किया, हमें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, तो थैंक यू, जय हिंद।